तो जैसे आप इसे ओपन करेंगे, ऊपर आपको यहाँ पे मिलेगा ई प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी कि ये आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। आपको इस एडमिट कार्ड को लेकर जाना पड़ेगा एग्जाम में शामिल होने के लिए। नीचे आपकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। DSSB, TGT, PGT, PRT टीचर की एडमिट कार्ड हो चुकी है एक्टिवेट। कैसे अपने एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड करेंगे? बहुत से पोस्ट कोड की एग्जाम ऑलरेडी हो चुकी है, बहुत से पोस्ट कोड की एग्जाम होनी बाकी है, और उसका एग्जाम किस डेट को होगा, यदि वो डिटेल्स आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, इसमें आपको सारा प्रोसेस मिल जाएगा। हम यहाँ पे आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि आप अपने एडमिट कार्ड को कैसे डाउनलोड करेंगे, बिल्कुल कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाले हैं। अपने एडमिट कार्ड को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल में जाना है, और उसके बाद सर्च बार में आप टाइप कीजिए dssb.nic.gov.in। इसके बाद आपको इंटर करना है। जब आप इंटर करेंगे तो आपके सामने ऐसा लिंक ओपन हो जाएगा। ये है ऑफिशियल वेबसाइट की फर्स्ट ऑप्शन की लिंक, आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। एडमिट कार्ड हम आपको कौन से पोस्ट कोड का डाउनलोड करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो ये सारे पोस्ट कोड की जो एडमिट कार्ड है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसकी एग्जामिनेशन डेट जो है 23 या 21 जून है, अभी क्लियर मुझे याद नहीं है, तो उसी का हम एडमिट कार्ड यहाँ पे आपको डाउनलोड करके दिखाएंगे। तो ऊपर आप करेंगे तो यहाँ पे आपको एक लेटेस्ट नोटिस न्यूज मिल जाएगा, जिसमें कहा जाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए जून 2023 के एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए। अगर आपने अपना एडमिट कार्ड चेक करना है तो डायरेक्ट इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए और ओके के बटन पे क्लिक कर लीजिए। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये ऑप्शंस ओपन हो जाएगा, जिसमें अपने डिटेल्स को मेंशन करनी है। अब यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर लिखना है, इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है, और यहाँ पे कैप्चा जो हो रहा है इस बॉक्स में आपको लिख लेना है। एप्लीकेशन नंबर अगर आपको पता नहीं है तो आपको कहाँ जाना है और कैसे चेक करना है, डायरेक्ट आप फिर से इसी पेज पर आइए, और यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे करना है। यहाँ पे आपको एक ऑनलाइन अप्लाई करने का पेज मिलेगा, आपको इसे ओपन करना है यहाँ ओके के ऑप्शन पे क्लिक करके। जब इसे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ क्लिक हियर टू साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल्स ऐड करेंगे, जैसे अपना डेट ऑफ बर्थ हो गया। इसके बाद हाई स्कूल की रोल नंबर क्या है वो लिखना है, पासिंग ईयर सिलेक्ट करनी है, और यहाँ पे पासवर्ड लिखना है। इसके बाद कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में लिख के साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको आपकी पासवर्ड नहीं पता है तो यहाँ से आप फॉरगेट कर सकते हैं। ये सभी जानकारी आपको याद होनी चाहिए, तभी आप अपने एडमिट कार्ड को चेक कर सकते हैं। यदि आपको आपके सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स पता है तो आपको इन ऑप्शन में लिख लेना है। इसके बाद साइन इन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड पे लॉग इन हो जाएंगे, यहाँ पे आपकी डिटेल्स आपको दिखाया जाएगा। एप्लीकेशन नंबर को चेक करने के लिए आपको यहाँ प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद कौन सी पोस्ट है उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। 13-22 जो इसका पोस्ट कोड है, इसका हम एडमिट कार्ड चेक करेंगे। पोस्ट कोड को सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये पॉपअप पेज जो है ओपन नहीं हो रहा है, तो इसे हम ऑलवेज कर ले रहे हैं। अब इसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारे सामने ओपन हो गया। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर हमको मिल चुकी है, हम इसे क्या करते हैं यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद हमको आना है यहाँ पे, इसे पेस्ट करते हैं, और इसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो लिखने का तरीका है ऊपर यहाँ एग्जांपल के रूप में बताया गया है कि इस प्रकार से अपने डेट ऑफ बर्थ को लिखेंगे। यहाँ पे हम आपको दिखा भी दे रहे हैं कुछ ऐसा, अपने डेट ऑफ बर्थ को आप यहाँ पे लिखेंगे। अपने डेट ऑफ बर्थ को लिखने के बाद अब आपको यहाँ पे कैप्चा मिल जाती है, डायरेक्ट आपको इस ऑप्शन में कैप्चा कोड लिखना है। तो चलिए यहाँ पे जो कैप्चा है उसे भी हम लिख लेते हैं। इसके बाद लॉगिन का बटन मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार से ये ऑप्शन मिलेगा, जिसमें एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ दिखाया जाएगा। एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए बगल में आपको बटन मिल जाएगा ई एडमिट कार्ड, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही एडमिट कार्ड की शॉर्ट इन्फॉर्मेशन डिटेल्स दिखाया जाएगा, जिसमें आपको पोस्ट नेम मिल जाएगा, कहाँ पे एग्जाम है, कितने बजे एग्जाम है वो आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको नीचे करना है, ऊपर भी आप देखेंगे तो DSSB 23-24-25 जून 2023 की एडमिट कार्ड, यहाँ पे क्लिक करके अपने एडमिट कार्ड को चेक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर यहाँ पे देखिए आपकी एडमिट कार्ड डाउनलोड हो चुकी है। जब एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है तो इसे हम ओपन करके दिखा देते हैं आपको कि किस प्रकार के आपके एडमिट कार्ड शो होगा, और इसे आप एग्जाम में लेके जाने के लिए क्या क्या डिटेल्स लेकर जाएंगे। तो जैसे आप इसे ओपन करेंगे, ऊपर आपको यहाँ पे मिलेगा ई प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी कि ये आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है।
आपको इस एडमिट कार्ड को लेकर जाना पड़ेगा एग्जाम में शामिल होने के लिए। नीचे आपकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, कौन से पोस्ट के लिए आवेदन किया है, आपके आईडी नंबर यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा, परीक्षा एग्जामिनेशन सेंटर आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, इस पते पे आपको जाके एग्जाम देना पड़ेगा। सभी के लिए देखिए अलग अलग एग्जामिनेशन एड्रेस रहेगा, जो भी एड्रेस आपका यहाँ पे रहता है उसी पते पे आपको जाके एग्जाम देना पड़ेगा। 23/6/2023 को एग्जाम है, 4:30 बजे से 6:30 बजे तक ये एग्जाम चलेगा। उपस्थित होने की जो समय रहेगी 3 बजे रहेगी। गेट बंद होने का जो समय है 4 बजे है। यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा और यहाँ पे अंगूठे का निशान रहेगा। जो निरीक्षक करता है वो यहाँ पे अपना सिग्नेचर करके आपके इस एडमिट कार्ड को वेरीफाई करेंगे कि आप यहाँ पे उपस्थित हैं। अब यहाँ पे नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन मिल जाता है, इस एग्जाम में शामिल होने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जानी है और कौन कौन से उपकरण लेके जानी है, जिसे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मेंशन की गई है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। हम एक शॉर्ट भाषा में आपको बता दें तो आपको अपने एडमिट कार्ड के साथ एक आईडी प्रूफ लेकर जानी है, जो कि ओरिजिनल कॉपी आप लेकर जा सकते हैं। इसके साथ अपना फोटो लेकर जा सकते हैं, 2 से 4 फोटो कॉपी आप लेकर जा सकते हैं। जो कोविड-19 के नियम और शर्त है उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। एग्जाम में आप मोबाइल नहीं लेकर जा सकते हैं, ना ही कोई कैलकुलेटर लेकर जा सकते हैं, तो ये सभी जानकारी को आपको बरतना पड़ेगा। नीचे आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिल जाएगा कोविड-19 की, ऊपर ये सारे ऑप्शंस को आप ट्रिक मार कर सकते हैं, वैसे नहीं करना चाहते तो इसे आप खाली छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे अपना नाम लिख लीजिएगा, यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख लीजिएगा, यहाँ पे एग्जाम की डेट लिख लीजिएगा और यहाँ पे शिफ्ट लिख लीजिएगा कि किस शिफ्ट में एग्जाम है। इसके बाद यहाँ पे परीक्षा सेंटर लिख लीजिएगा एंड यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा। एग्जाम में जब आप शामिल होते हैं, जब आपको गेट प्रवेश किया जाता है, उसी समय ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपसे मांगा जाता है। यदि आप ये फॉर्म सबमिट करके नहीं देते हैं, आपको एग्जाम में प्रवेश नहीं लिया जाएगा और आपको बाहर ही बैठा दिया जाएगा, तो ये आपको फिलअप करके लेकर जाना पड़ेगा। ओके, तो सारी जानकारी लगभग मैंने आपको बता दिया है। यदि ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कोई सवाल होता है तो जरूर हमें आप कॉमेंट कीजिएगा। एंड गाइस, हमारे चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि कोई भी वीडियो मैं अपडेट करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद।